अभी बच्चों अब अपनी करते हैं फोटोसिंथेसिस का अगला पार्ट। देखिए पिछली क्लास में अपनों ने PS1 और PS2 के बारे में पढ़ा था, अब अपने करते हैं इन दोनों में अंतर। ठीक, कि PS1 और PS2 में क्या क्या अंतर है वो अपने देख लेते हैं। एक टेबल बनेगी, तो यहां पर लिखेंगे PS1 फोटो सिस्टम फर्स्ट और यहां पर है PS2 फोटो सिस्टम है सेकंड। देखिए पहला जो अंतर है वो देखिए, जो PS1 है ना, स्ट्रोमा तथा ग्रेना दोनों प्रकार की पटलिकाओं पर पाया जाता है, या दोनों प्रकार की पटलिकाओं में पाया जाता है, दोनों प्रकार की पटलिकाओं में या पर कुछ भी लिख दो, दोनों प्रकार की पटलिकाओं में या पर पाया जाता है। यानी PS1 जो है वो स्ट्रोमा पटलिकाओं पर भी मिलता है और ग्रेना पटलिकाओं पर भी मिलता है। यह जो है ना PS2 यह केवल ग्रेना पटलिकाओं पर पाया जाता है, केवल ग्रेना पटलिकाओं पर, ग्रेना थैलेकोइड्स पर पाया जाता है। एक नंबर अंतर हो गया। अभी दूसरा, इसमें क्लोरोफिल ए व क्लोरोफिल बी के साथ, क्लोरोफिल ए व बी के साथ कैरोटीनॉइड्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, कैरोटीनॉइड्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। उसमें क्या है PS2 में, इसमें क्लोरोफिल ए एवं बी के साथ फाइकोबिलिन्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए व क्लोरोफिल बी के साथ फाइकोबिलिन्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, फाइकोबिलिन्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। एक अंतर ये हो गया। ठीक है, आगे देखिए नंबर 3, यहां पर रिएक्शन सेंटर यानी अभिक्रिया केंद्र कौन होता है, P700 और यहां पर अभिक्रिया केंद्र कौन होता है, P680। चौथा, इसका उपयोग चक्रीय व अचक्रीय दोनों प्रकार के प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण में होता है, दोनों प्रकार के प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण में होता है, इसका उपयोग केवल अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण में होता है। ठीक, तो एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ कि जो PS1 है, ठीक, PS1 में क्या लिखोगे कि यह तंत्र स्ट्रोमा तथा ग्रेना दोनों प्रकार की पटलिकाओं पर पाया जाता है और PS2 केवल ग्रेना पटलिकाओं पर पाया जाता है। दूसरा अंतर है, PS1 में क्लोरोफिल ए और बी के साथ कैरोटीनॉइड्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और वहाँ पर क्लोरोफिल ए और बी के साथ फाइकोबिलिन्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। PS1 में अभिक्रिया केंद्र होता है P700 और वहाँ पर होता है अभिक्रिया केंद्र P680। जो PS1 है यह चक्रीय व अचक्रीय दोनों प्रकार के प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण में भाग लेता है और PS2 केवल अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण में भाग लेता है। तो ये हो गया अपना अंतर। आगे करते हैं अपने प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि।
तो अपना टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि, देखिए जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है ना, एक्चुअल में यह है ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया है। अभी क्या है? ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया है। ठीक है, ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया है और इसमें जल का ऑक्सीकरण होता है। इसमें क्या होता है? जल का तो ऑक्सीकरण होता है। किसमें होगा? O2 में। ठीक, और CO2 का अपचयन होता है। CO2 का अपचयन होता है और CO2 के अपचयन के फलस्वरूप क्या बनेगा? शुगर। क्या बनेगा? शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो संपूर्ण प्रक्रिया है ना, उसे अपने एक समीकरण द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वास्तव में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जटिल है जिसमें कई चरण आते हैं, तो अपने वो समीकरण लिख देते हैं जो प्रकाश संश्लेषण को रिप्रेजेंट करती है। C6CO2 प्लस 12H2O इजिकल टू C6H12O6 C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2, यह प्रकाश संश्लेषण की समीकरण होगी भी। और यह क्या अपनी शुगर है, ग्लूकोज। और प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑक्सीजन। और मैंने आपको बताया था कि यह ऑक्सीजन जल के प्रकाशीय अपघटन के फलस्वरूप मुक्त होती है। देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कई चरणों में संपन्न होती है। ठीक, तो अपने बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण प्रक्रिया किस प्रकार होती है, उसमें कितने चरण है। यहाँ पर सिर्फ प्रकाश संश्लेषण की समीकरण लिखी गई है, प्रकाश संश्लेषण को यह समीकरण रिप्रेजेंट कर रही है। देखिए प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण प्रक्रिया दो चरणों में संपन्न होती है। अभी प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण प्रक्रिया दो चरणों में संपन्न होती है और उन चरणों के नाम है प्रकाशिक और अप्रकाशिक, या अपने ये भी कह सकते हैं लाइट रिएक्शंस और दो डार्क रिएक्शंस, लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस। तो पहला क्या बना? लाइट रिएक्शंस। यानी प्रकाशिक चरण है, देखिए इसको अपने हिल रिएक्शंस भी कहते हैं, हिल रिएक्शंस, क्योंकि इन अभिक्रियाओं के बारे में या इस चरण के बारे में सबसे पहले हिल नामक वैज्ञानिक ने बताया था। ठीक, और यह जो चरण है या इस चरण में जो अभिक्रियाएं होगी जिनको अपने लाइट रिएक्शंस कहते हैं, ये हरितलवक के ग्रेना में होती है। अभी हरितलवक के ग्रेना भाग में यह चरण या ये अभिक्रियाएं संपन्न होती है। और इसमें क्या होता है कि प्रकाश ऊर्जा का
रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, इन अभिक्रियाओं में या इस चरण में क्या होता है, जो प्रकाश ऊर्जा है उसका रूपांतरण होता है किसमें, रासायनिक ऊर्जा में। और यह जो रासायनिक ऊर्जा है ना, यह एटीपी के रूप में संचित रहती है। किस रूप में? एटीपी के रूप में संचित रहती है रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। अब यहां पर एक उत्पाद और भी है, यानी यहां पर एटीपी तो नहीं बनेगी, यानी रासायनिक ऊर्जा, ठीक, प्रकाश ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो रही है, रासायनिक ऊर्जा में। और यह रासायनिक ऊर्जा किस रूप में संचित रहेगी, एटीपी के रूप में, यानी यहां पर एक प्रोडक्ट क्या हो गया, एटीपी होगी, यानी इस चरण में या इस अभिक्रियाओं के फलस्वरूप एटीपी बनेगी। साथ में एक उत्पाद और भी बनेगा जिसको कहते हैं अपने एनएडीपीएच, एक उत्पाद और भी बनता है एनएडीपीएच। तो अपने कह सकते हैं कि लाइट रिएक्शन से या जो प्रकाशिक चरण है ना, उसमें दो उत्पाद बनते हैं, एक तो एटीपी, दूसरा एनएडीपीएच, और इन दोनों को अपने कहते हैं रिड्यूसिंग पावर। इन दोनों को सम्मिलित रूप से कहते हैं, यानी एटीपी और एनएडीपीएच को हिंदी में कहते हैं अपचायक शक्ति, इंग्लिश में रिड्यूसिंग पावर, अपचायक शक्ति। अब देखिए, प्रकाशिक अभिक्रिया का अध्ययन निम्न चरणों में किया जाता है, यानी प्रकाशिक अभिक्रिया जो है उसको अपने मुख्यतः तीन चरणों में पढ़ते हैं, तीन चरणों में अध्ययन करते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि संपूर्ण जो प्रकाशिक चरण है ना, उसको आगे और बांटा गया है तीन चरणों में, ठीक। तो वो देख लीजिए, यानी इसे आगे और बांटा गया है तीन चरणों में, एक दो तीन, ये बड़ा चरण हो गया है, और इसके आगे तीन, इसी के आगे तीन छोटे छोटे चरण हैं, ठीक। लाइट डायरेक्शन के ही आगे तीन छोटे छोटे चरण हैं, ये लाइट डायरेक्शन जो पूरी लाइट डायरेक्शन है, कंप्लीट लाइट डायरेक्शन है ना, ठीक, यानी जो प्रकाशिक अभिक्रियाएँ हैं, जो प्रकाशिक चरण है, उसकी संपूर्ण प्रक्रिया तीन चरणों में संपन्न होती है, अपने ये भी कह सकते हैं। पहला चरण है जल का प्रकाशिक अपघटन, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, यानी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। दूसरा है प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण, और तीसरा है एनएडीपी का अपचयन। यानी जो प्रकाशिक चरण है, ठीक है, उसको आगे भी बांटा गया है तीन चरणों में, या जो संपूर्ण लाइट रिएक्शंस है उनको तीन भागों में बांटा गया है। पहला है जल का प्रकाशिक अपघटन, दूसरा प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण, और तीसरा है एनएडीपी का अपचयन। तो अपने देखेंगे पहला जल का प्रकाशिक अपघटन। तो पहला है जल का प्रकाशिक अपघटन, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। देखिए, जल के प्रकाशिक अपघटन से H पॉजिटिव तथा OH नेगेटिव आयन्स बनते हैं, ठीक है। जल के प्रकाशिक अपघटन से H पॉजिटिव तथा OH नेगेटिव आयन्स बनते हैं। तो जल है, जल का प्रकाशिक अपघटन होगा तो क्या बनेगा, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ये आयन्स बनेंगे। और जो OH नेगेटिव है ना, OH नेगेटिव,
यह अपने इलेक्ट्रॉन्स उत्तेजित पणहरित अणु को प्रदान करे स्वयं हाइड्रोक्सी मूलक में बदल जाता है। ये जो OH से नेगेटिव है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो किसको जाएंगे? पणहरित को, और ये खुद किस में बदल जाएगा? हाइड्रोक्सी मूलक में। ठीक, अब दो हाइड्रोक्सी मूलक संयोग कर परोक्साइड बनाते हैं। हाइड्रोक्सी मूलक, ठीक है, दो हाइड्रोक्सी मूलक संयोग कर क्या बनाएंगे? परोक्साइड। ठीक, इस परोक्साइड के जल अपघटन से, इस परोक्साइड के अपघटन से जल व आण्विक ऑक्सीजन बनती है। जल व आण्विक ऑक्सीजन बनती है। ठीक, इसका अपघटन होगा, जल और आण्विक ऑक्सीजन बनेगी, और जल के अपघटन से ऑक्सीजन मुक्त होगी। जल के अपघटन से क्या मुक्त होगी? ऑक्सीजन। दोबारा मैं बता देता हूँ इस संपूर्ण प्रक्रिया को, बाद में समीकरण भी अपने देखेंगे। बात चल रही है जल के प्रकाशिक अपघटन की, और जल का प्रकाशिक अपघटन जब होता है तो क्या बनते हैं? अभी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये बनते हैं। और जो OH है ना, OH नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन किसे देगा? OH नेगेटिव यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था वो किसे देगा? पणहरित को देगा, और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाइड्रोक्सी मूलक में। और दो हाइड्रोक्सी मूलक आपस में संयोग कर क्या बनाएंगे? परोक्साइड। और फिर इस परोक्साइड का अपघटन होगा, जिसके फलस्वरूप जल और आण्विक ऑक्सीजन बनेगा। ठीक, जल और आण्विक ऑक्सीजन बनता है। ठीक, यह ऑक्सीजन तो वायुमंडल में आ जाएगी, ठीक है, पत्तियों से निकलकर वायुमंडल में आ जाएगी, और इस जल का दोबारा प्रकाशिक अपघटन होगा, और क्या मुक्त होगी? ऑक्सीजन मुक्त होगी। इस संपूर्ण प्रक्रिया को अपने समीकरण द्वारा अब देखते हैं। फोर एच टू ओ ले लो। ठीक, जल के चार अणु ले लिए, तो क्या बना? 4H पॉजिटिव प्लस 4OH नेगेटिव। ठीक, अब 4OH नेगेटिव 4OH प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ये दिखा दो। अब 4OH इजिकल टू 2H2O2। ठीक, अब क्या होगा? 2H2O2 इससे क्या होगा? H2O प्लस O2, 2H2O प्लस O2, फिर 2H2O यहाँ पर सनलाइट फोटोन, यानी सूर्य की उपस्थिति में, या सूर्य की उपस्थिति का मतलब प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक, जल अपघटन होगा, और साथ में Mn2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ये आयन्स भी भाग लेंगे, और क्या बनेगा? 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्लस O2। तो यह रिएक्शन हो गई है, अभी प्रकाशिक अपघटन जल का। पहले मैंने आपको थ्योरी बताई थी, अब उसी बात को मैंने समीकरण में रिप्रेजेंट कर दिया है। तो जल के प्रकाशिक अपघटन से 4H पॉजिटिव और 4OH नेगेटिव ये बने। अब जो OH नेगेटिव है वो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और खुद हाइड्रोक्सी मूलक में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हाइड्रोक्सी मूलक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, और हाइड्रोक्सी मूलक आपस में संयोग कर क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन परोक्साइड। ये हाइड्रोजन परोक्साइड टूट जाएगी और क्या बनेगा? जल और ऑक्सीजन। बाद में इस जल का प्रकाशिक अपघटन होगा, किसकी उपस्थिति में? दो आयन्स है Mn2
टू पॉजिटिव और सेल नेगेटिव की उपस्थिति में, और ये बनेगा और ये ऑक्सीजन है वायुमंडल में आ जाएगी इस प्रकार। अब देखिए जो जल का प्रकाशीय अपघटन है ना वो ग्रहण अवकाशिका में होता है। आपसे पूछ रहे कि जल का प्रकाशीय अपघटन कहाँ पर होता है, तो जल का प्रकाशीय अपघटन है ग्रहण अवकाशिका में होता है। अवकाशिका में, अवकाशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ल्यूमन। ये अवकाशिका क्या है वो भी देख लीजिए, जैसे ये हरितलोक है, ये अंदर मान लीजिए ग्रेनम है, इस तरीके से ये एक ग्रेनम हो गया, दो तो ग्रेना कह देंगे, एक को कहते हैं ग्रेनम। तो जहाँ पर अंदर इसकी खोखली जगह होगी, खोखली का मतलब कोई ना कोई फ्लूइड भरा होगा अंदर, ठीक, तो उसको अपने कहते हैं ल्यूमन, ठीक। तो ये हो गया। अगला चरण है प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। अगला क्या चरण है, प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण नंबर दो, वो करते हैं अभी अपने। देखिए पहले ही यह माना जाता था कि एटीपी केवल माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। पहले क्या माना जाता था कि एटीपी केवल माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, और इस प्रक्रिया को यानी माइटोकॉन्ड्रिया में जो एटीपी बनती है, इस प्रक्रिया को अपने क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ठीक, और फोटोसिंथेसिस में भी एटीपी की आवश्यकता होती है। फोटोसिंथेसिस में जो CO2 का अपचयन होता है ना, तो CO2 के अपचयन में ATP आवश्यक होती है। तो ये माना जाता था कि प्रकाश संश्लेषण में, ठीक, ATP की आवश्यकता होती है CO2 के अपचयन हेतु, और यह ATP वही है जो कहाँ पर बन रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी माइटोकॉन्ड्रिया ही ATP की सप्लाई कर रहा है। फोटोसिंथेसिस हेतु जो ATP चाहिए ना, वो भी कौन बना रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा है। लेकिन बाद में कुछ साइंटिस्ट ने यह पाया कि फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया है उसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा खर्च होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ATP चाहिए, और माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा इतना ATP या ATP के इतने अणु बनाना संभव नहीं है। फिर ये पता चला कि हरितलोक खुद ATP बनाने में सक्षम है, और फोटोसिंथेसिस हेतु जो ATP चाहिए ना, वो हरितलोक खुद बनाता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया पर डिपेंड नहीं है। तब एक नई टर्म आ गई, फोटो फॉस्फोरिलेशन, प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। ठीक, यानी पादपों में फोटोसिंथेसिस हेतु जो ATP चाहिए वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड नहीं कराता, वो हरितलोक खुद बना लेता है। तो ATP दो जगह बनने लगी, यानी दो जगह बनती है, बात यू ही, अब हमारे में तो माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है, तो हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में ATP बनती है, और दैट प्रोसेस कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। लेकिन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है, क्लोरोप्लास्ट मिलता है, तो क्लोरोप्लास्ट भी ATP बनाता है फोटोसिंथेसिस हेतु, तो उस प्रोसेस को कहते हैं प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। यानी प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक, हरितलोक द्वारा जो ATP बनाई जा रही है, या जो हरितलोक में ATP बन रही है ना, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं, ATP बनने की प्रक्रिया को, प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण, यानी फोटो फॉस्फोरिलेशन। ये हो गया।
तो दो तरह का फॉस्फोरिलेशन हो गया, ऑक्सीडेटिव और फोटो। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और फोटो फॉस्फोरिलेशन कहाँ पर होता है? हरित लवक में। किसकी उपस्थिति में? लाइट की उपस्थिति में। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए, हरित लवक में प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण की क्रिया दो प्रकार से संपन्न होती है। हरित लवक में प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण यानी फोटो फॉस्फोरिलेशन की क्रिया दो प्रकार से संपन्न होती है, जिनको नाम दिया गया है चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण और अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण और अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण, यानी साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन। तो कल अपने इनके बारे में देखेंगे भी कि ये क्या है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन। आज के लिए इतना ही।